डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हिंदी में शुक्राणु जनन भी कहते हैं। शुक्राणु जनन का मीनिंग होता है शुक्राणुओं का बनना, और इसके लिए हमारे शरीर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर से नीचे की ओर एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की ओर लटके हुए रहते हैं, जिससे इनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्राप्त होता है। तो शुक्राणुओं का वृषण में बनने की जो प्रक्रिया है वो स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहलाती है। जनरली हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए अनुकूल नहीं होता है। हमारे बॉडी का जो जनरल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 34 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अर्थात इस टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए हमारे जो वृषण हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की ओर वृषण कोष में स्थित होते हैं, जिससे इनको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक अनुकूल टेम्परेचर प्राप्त हो जाता है। कुछ एनिमल्स जैसे एलिफेंट और व्हेल में जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है वे एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है और यह प्यूबर्टी एज के समय मेल में या नर में स्टार्ट हो जाता है। इसको समझने के लिए इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला शुक्राणु पूर्व का बनना, इसको हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स भी कहते हैं। दूसरा जो इसका भाग है शुक्राणु का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। पहले हम बात करेंगे शुक्राणु पूर्व का बनना। शुक्राणु पूर्व के बनने के लिए इसमें तीन प्रवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली जो प्रवस्था है उसको हम गुणन प्रवस्था कहते हैं। इस गुणन प्रवस्था के अंतर्गत हमारे वृषण में पाई जाने वाली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कुछ जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जिनको हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स भी कहते हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में माइटोसिस के द्वारा डिवीजन होता है या समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा इसमें बहुत सारी द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका से, जैसा हम इसमें देख रहे हैं, एक कोशिका से दो कोशिकाएं, दो कोशिका से चार कोशिकाएं, चार कोशिकाएं से आठ कोशिकाएं, देन 16, 32, 64, और इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रवस्था में जितनी भी सेल्स बनती हैं सभी में क्रोमोजोम्स का नंबर द्विगुणित या 2n होता है, और गुणन प्रवस्था के अंतर्गत जितनी भी सेल्स बनती हैं उनको हम शुक्राणु जन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। अब इन सारे सेकंड फेज जो का इसका वृद्धि प्रवस्था कहलाती है, इसमें सभी स्पर्मेटोगोनिया में वृद्धि होती है, लेकिन हम यहाँ पर समझने के लिए या बोर्ड में हमारे स्पेस कम है तो केवल एक शुक्राणु जन कोशिका में वृद्धि को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। वृद्धि प्रवस्था में शुक्राणु जन कोशिका साइज में, आकार में बड़ी हो जाती है, और इसको फिर हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका भी कहते हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में भी गुणसूत्रों का नंबर 2n होता है। यहाँ पर यह क्रोमोजोम्स या गुणसूत्रों का नंबर समझना बहुत आवश्यक है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि नीट एस्पायरेंट्स या नीट की परीक्षा जो बच्चे दे रहे हैं उनको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वृद्धि प्रवस्था में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के निर्माण के बाद तीसरा फेज शुरू होता है, जिसको हम परिपक्वन प्रवस्था कहते हैं।
परिपक्वन प्रवस्था में प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जैसा कि हम लोग जानते हैं दो भाग में होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं, यानी एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा तो एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से दो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें क्रोमोजोम्स का नंबर अब आधा रह जाएगा, यानी अब ये अगुणित कहलाएंगी। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स या गुणसूत्रों की संख्या प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं के में जो गुणसूत्रों की संख्या थी उसका हाफ या आधा रह जाएगा। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनने के बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो है वो समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या सेम रहती है, लेकिन दो सेल से यहाँ पर चार सेल्स का निर्माण हो जाएगा। इन चारों सेल्स को या कोशिकाओं को जिनमें क्रोमोजोम्स की संख्या अगुणित है उनको अब हम शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड के नाम से जानते हैं। अर्थात यहाँ पर हमारा पहला फेज पूरा हुआ, शुक्राणु पूर्व का बनना। शुक्राणु पूर्व में क्रोमोजोम्स की संख्या अगुणित होती है, अर्थात एक स्पर्मेटोगोनिया से या एक शुक्राणुजन कोशिका से चार स्पर्मेटिड्स बनते हैं जिनमें क्रोमोजोम्स की संख्या आधी रह जाती है। आइए अब बात करते हैं दूसरे फेज की, जिसका शुक्राणु का बनना। शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है वो शुक्राणु कायंत्रण या स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। यहाँ पर शुक्राणु पूर्व की हम बात करें या स्पर्मेटिड की बात करें तो ये एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। शुक्राणु पूर्व जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, अर्थात इसमें गति नहीं होती है और इसमें जो है टेल अब्सेंट, पूंछ अनुपस्थित होती है। लेकिन जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु कायंत्रण के दौरान स्पर्मेटिड स्पर्म में बदलते हैं तो स्पर्म जो है वो मोटाइल हो जाते हैं और इनके अंदर टेल प्रेजेंट हो जाती है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कुछ मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दी है। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे हार्मोनल कंट्रोल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के हार्मोनल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपो थैलेमस की। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक भाग है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन नीट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हाइपोथैलेमस है। हमारे शरीर में जो मास्टर ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि हमारे अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल, उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। लेकिन इस पीयूष ग्रंथि को भी, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसको भी कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस कार्य करता है। अर्थात हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे GnRH कहते हैं। GnRH की फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग
हार्मोन। यह गोनेडोटोपिक ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, यानी पिट्यूटरी लोब का जो अग्रभाग होता है उसको एक्टिवेट करता है। इसके एक्टिवेट होने से दो प्रकार के हार्मोन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। LH को हम ICSH भी कहते हैं। ICSH का जो फुल फॉर्म है वो है इंटर इस्टीशियल सेल स्टीमुलेटिंग हार्मोन। LH हमारे विसरण में पाई जाने वाली जो लीडिक सेल्स होती हैं उनके ऊपर वर्क करता है, जिससे एक हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं सिक्रीट होता है। इस एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा सबसे अधिक होती है, टेस्टोस्टेरोन। इसी प्रकार से FSH भी हमारे टेस्टिस में पाई जाने वाली जो सर्टोली सेल्स होती हैं सर्टोली सेल्स पर वर्क करता है, जिससे दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और दूसरा है इनहिबिन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कराता है। लेकिन जब हमारे ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो टेस्टोस्टेरोन एक नेगेटिव रेस्पॉन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को देता है, जिससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है। साथ ही यह एक नेगेटिव रेस्पॉन्स हाइपोथैलेमस को भी देता है, जिससे गोनेडोटोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी सिक्रीट होना बंद हो जाता है। अब बात करें हम इनहिबिन प्रोटीन की। इनहिबिन प्रोटीन भी नेगेटिव फीडबैक के द्वारा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को बंद करा देती है। इनहिबिन प्रोटीन भी जब हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बड़ा अत्यधिक हो जाता है तो इनहिबिन प्रोटीन नेगेटिव फीडबैक के माध्यम से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को बंद कराने के लिए हाइपोथैलेमस को भी संदेश देती है, जिससे हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक बैलेंस या एक नियंत्रित वे में रहता है। और फिर जब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमारे ब्लड में कम हो जाता है तो फिर से हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है और ये प्रोसेस जो है रिपीट होता रहता है। तो ये कुछ बातें थी जो स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन या उसके हार्मोनल कंट्रोल के बारे में थी। निश्चित ही आप लोगों को यह स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल बायो एजुकेटर्स को देखते रहिए। देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू।